सर, यूथ को आप क्या मैसेज देंगे, खास तौर पे वो लोग जिनके जहन में क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, और वो मायूस भी हो जाते हैं? देखिए, यूथ मेरा खास तौर पे फोकस रहती है, खास तौर पाकिस्तानी यूथ जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा फील होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग तो कुछ भी नहीं थे इनके सामने, इतने काबिल लड़के लड़कियाँ हमारे कॉलेज से निकल रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ ये बताना है कि कंट्रोल योर पेस, क्योंकि गाड़ी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ब्रेक होती है। वरना किसी बच्चे को भी बैठा देंगे, वो पैर से एक्सीलरेट करेगा, गाड़ी दीवार के साथ लग जाएगी, लेकिन ब्रेक कहाँ कहाँ लगानी है। फेम के चक्कर में नहीं पड़ना, पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना, पोजीशन के चक्कर में नहीं पड़ना, ब्रांड के चक्कर में पड़ना है। मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, ये मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि आप हर हमारे मुआशरे में हर दूसरा बंदा ये सिखा रहा है कि पैसा कैसे कमाना है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि पैसा कमाने के लिए रास्ता कौन सा चूज़ करना है। जब आप ब्रांड बन जाएंगे, पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम वीडियोस बनाएंगे तो उससे पैसे कमाएंगे, कभी नहीं सोचा, आज भी नहीं सोचते, अल्लाह का शुक्र वैसे ही अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन आते हैं तो क्या करें, बोलेंगे कि ना आए, अल्लाह का शुक्र है आ रहे हैं, फिर घर बैठे आ रहे हैं। मकसद क्या है कि जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं ना, तो पैसा आपके पीछे आता ही आता है, लेकिन आप पैसे के पीछे भागेंगे, यकीनन आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, हजारों लोग आके बता के जा चुके हैं, आप पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा कभी आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको रुसवा कर देगा, आपकी इज्जत भी साथ ले लेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को सेटल करके बिठा लेंगे, ब्रांड बनने की कोशिश करेंगे, पैसा आपके पास खुद आएगा मैल बनकर।